बेस्ट सेलिंग मोटरोला स्मार्टफोन ऑफ ऑल टाइम, ये जस्ट मोस्ट इनोवेटिव विनी मोस्ट फ्यूचरिस्टिक भी था। December 2003 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था एंड 2004 स्टार्टिंग आप मान सकते हैं। अराउंड 20 ईयर्स हो गए गाइस इस फ़ोन को लॉन्च किए हुए। और जिस फ़ोन की हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो V3i है। V3 में भी आपको एग्जैक्टली सेम स्टफ मिलता है और यहाँ पे एक बिग टेक्स्ट आप देख रहे होंगे विथ iTunes, यानी कि एप्पल का यहाँ पे iTunes भी इंटीग्रेट किया था। जब एप्पल और मोटरोला कोलैबोरेट कर सकते हैं तो हम और आप भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, दबा दीजिएगा। स्लिमेस्ट फ़ोन था उस टाइम का 20 ईयर्स अहेड में और इसको खोलने का गाइस हिसाब बहुत ही यूनिक है और ये बिगेस्ट अनबॉक्सिंग बॉक्स आप मान सकते हैं। पहले इसको आपको थोड़ा सा जेंटली प्रेस करना है और ये पार्ट निकल आएगा और फिर आपको इसको ऐसे खींचना है, गॉट इट। और यहाँ पे रहा V3i। दोनों फ़ोन आप देख सकते हैं गाइस कैसा है। ये 2005 में लॉन्च हुआ था, ये 4 में लॉन्च हुआ था, लेकिन V3i में काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए थे। क्या क्या चेंजेस हैं सारी बातें आपको अभी मैं बताता हूँ। लेट्स सी व्हाट एल्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बिग मोटो मैनुअल मिलेगी, यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सारी चीज़ें यहाँ पे ओरिजिनल हैं क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें ही हम देखते हैं। मोटो ब्रांडेड यहाँ पे चार्जर है। देखिए बिग चेंज क्या है, यहाँ पे मिनी USB है। उस टाइम पे प्रोप्राइटरी कनेक्टर चलते थे हर जगह, सभी ब्रांड अपना यूज़ करती थी लाइक सोनी, नोकिया, सैमसंग, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड आ गया था कि जो भी कंपनी चाहे तो यूज़ कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक केबल मिल रही है, आई बिलीव ये डेटा सिंकिंग के लिए होगा बिकॉज यहाँ पे USB टाइप ए है एंड यहाँ पे मिनी USB है। एंड ऑफ कोर्स एक ओरिजिनल यहाँ पे हेडफोन्स भी मिलेंगे। वाओ। और यहाँ पे गाइस सिंगल ईयरबड्स वाला हिसाब दिया गया है। ऐसा हमने पहले भी यूज़ किया था, Nokia 6600 में उस वक्त सिंगल वाले आते थे, वॉकी हेलो चार्ली वाला। फिलहाल माइक्रो USB कनेक्शन था, कोई भी हेडफोन जैक वाला हिसाब नहीं था, सिंगल माइक्रो USB से चलता था। मोटरोला ऑथराइज लिस्ट ऑफ सर्विस सेंटर, जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, पता नहीं क्या क्या, अब तो पूरे लखनऊ में जस्ट एक ही सर्विस सेंटर है। और कुछ गाइस फ़ोन के बॉक्स में नहीं है, यही सारी एक्साइटिंग चीज़ें थी। यूसी जब अर्ली 2000 था उस वक्त इंटरनेट स्लोली इवॉल्व हो रहा था और लोगों का जो यूसेज था अबाउट दिस गैजेट्स वो स्लोली मल्टीमीडिया के टूवर्ड्स जा रहा था, लाइक MP3 म्यूजिक्स हो गया, स्मॉल वीडियोस बनाना एंड कुछ भी फोटोज स्नैप करना, बिकॉज कैमराज भी तो स्लोली इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन उस टाइम पे जो भी फ़ोन आते थे बेसिकली वो जस्ट मोटे मोटे ब्रिक फोन्स ही कहलाते थे, लाइक डम फोन्स आप मान सकते हैं। Nokia 3310 था, Nokia 6600 था और सैमसंग का जो SGH E700 था, फोल्डेबल फ़ोन आप क्लैमशेल भी मान सकते हैं, तो सारे बिग बिग आते थे। उसमें कोई ऐसा क्रेज नहीं था। फैशन में जो न्यू चेंज हो रहा था वो ये कि स्किनी जीन्स, टाइट जीन्स और इनका काफ़ी क्रेज बढ़ता चला जा रहा था, स्पेशली US एंड यूरोपियन मार्केट में। उसको टारगेट करते हुए ये फ़ोन डिज़ाइन किया गया था। इस फ़ोन को डिज़ाइन करते वक्त जो मेन की फैक्टर ध्यान में रखा गया था वो ये था कि इसको स्लिमेस्ट फ़ोन बनाना है। इस फ़ोन की मैक्सिमम जो थिकनेस थी वो 10 mm फिक्स कर दी गई थी कि उससे ज़्यादा फ़ोन थिक नहीं हो सकता था। उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे मेजर डिज़ाइन चेंजेस किए गए थे। दैट्स वाई ये फ़ोन मैंने कहा कि मोस्ट इनोवेटिव एंड मोस्ट फ्यूचरिस्टिक भी था। उस टाइम पे जो भी फ़ोन आते थे वो कम्प्लीटली प्लास्टिक मेड आते थे, इवन अभी भी आते हैं, लेकिन इस फ़ोन में यूनिक क्या था कि ये मेटल बिल्ड में था फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेबिलिटी। अभी आप देख सकते हैं इवन आफ्टर 20 ईयर्स फ़ोन में कोई भी ऐसे मेजर आपको यूसेज मार्क्स नज़र नहीं आएंगे।
एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के यहाँ पे केस दिया गया था। इवन जो बटन थे वो भी यहाँ पे ब्रास एंड कॉपर का मिलाकर दिया गया था। ऑफ कोर्स थोड़े से ग्लास और प्लास्टिक यूज किए गए थे। बोथ V3 एंड V3i में सिमिलर डिजाइन फिलॉसफी थी, लेकिन कुछ चेंजेस ये किए गए थे, जैसे कि V3 में जो कैमरा था वो जस्ट VGA था, V3i में ये 1.23 मेगापिक्सल था। एंड ऑफकोर्स ये भी आपको मैं बता दूँ, उस टाइम पे फोटोज़ उतनी मेजर प्रायोरिटी नहीं होती थी, बिकॉज लोगों को MP3 म्यूजिक सुननी होती थी, कूल लुकिंग फ़ोन चाहिए होता था। जिस टाइम ये फ़ोन लॉन्च हुआ था $600 का था, और डॉलर का प्राइस उस वक्त 45 था, तो आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड अनदर मेजर चेंज यहाँ पे V3i में अब छोटा सा एक गोल सर्किल मोटरोला का जो आइकॉनिक लोगो है वो ग्लो करता था। दोनों ही फ़ोन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिस्प्ले लाइट है, जो कि नियरली सेम थी बोथ फोन्स में। यूजली उस टाइम पे जो कीबोर्ड आते थे और आप कीपैड कह सकते हैं, वहाँ पे आगे बटन आपने देखे होंगे, उभरे हुए बटन होते थे और इनसाइड वहाँ पे रबर लगा होता था, लेकिन यहाँ पे जो बटन है वो कम्प्लीटली फ्लैट मेटल का है। और इवन यहाँ पे जो लाइटिंग दी गई थी वो स्टैंडर्ड LED नहीं थी, ये इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट कीपैड था, जो अराउंड 10 फीट दूरी से भी आप रात में इसको उसकी ग्लो काफ़ी अच्छे से देख सकते थे। एंड गाइस, स्पीकिंग अबाउट द डिस्प्ले, यहाँ पे आपको 2.2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती थी बोथ V3 एंड V3i में। TFT पैनल था, 260K का यहाँ पे रिजोल्यूशन था, एंड आउटसाइड काफ़ी छोटी सी एक डिस्प्ले थी जिसकी ब्राइटनेस जस्ट इतनी थी कि आप कुछ कंटेंट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ये जस्ट नोटिफिकेशन में था, लाइक कुछ भी मैसेज आया, टेक्स्ट आया, कॉल आया, तो फ़ोन को ओपन करने से पहले ही यहाँ से आप उसको देख के चाहे तो इग्नोर कर सकते थे, चाहे तो उसको साइलेंट कर सकते थे। ये कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर दिए गए थे। ऑल्सो दिस आइकॉनिक बिग चिन, इसका एक पर्पस दिया गया था। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीकर दिया गया था और कुछ एक्स्ट्रा कनेक्टर्स दिए गए थे चार्जिंग के। तो एक नया डिज़ाइन था, दैट्स वाई जो लेटेस्ट मोटो रेजर आया था 2019 में, वहाँ पे भी एग्जैक्टली सिमिलर डिज़ाइन दिया गया था। उस टाइम पे जनरली सभी कंपनीज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर रन करते थे, तो मोटोरोला का खुद का भी एक सॉफ्टवेयर था। और ये V3i है, और ये V3, इसमें एक डिफरेंस ये था कि V3i में 10 MB इंटरनल स्टोरेज दी गई थी, जबकि V3 में जो पुराना था उसमें जस्ट 5 MB थी। और यहाँ पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज का भी सपोर्ट दिया गया था, अप टू 1 TB तक था, और यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं था। यहाँ पे कुछ ही आप एप्लीकेशन पा सकते थे, गेम्स, एप्स, कॉल्स, टूल्स। सो उस फ्लॉस पे हम नहीं जाएंगे, बिकॉज आज के टाइम पे वो चीज़ें अलग हो चुकी हैं और पहले के टाइम पे ये चीज़ें अलग थी। यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए थे, जैसे कि अगर आपने डिस्प्ले फ्लिप कर रखा है तो यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहीं से आप सीधे कॉल आंसर कर सकते थे, यहाँ से आप प्रोफाइल चेंज कर सकते थे। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट गाइस अबाउट दी कैमरा, कुछ सैम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो VGA शॉट आता था V3 का कैसा है, और V3i में 1.23 मेगापिक्सल कैसा आता है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप 4x जूम भी कर सकते थे, जो कि अगेन काफ़ी कूल था। उस टाइम पे बहुत से फ़ोन में ऐसे फीचर्स मिलते थे। इवन तो गाइस, ये बेस्ट सेलिंग मोटोरोला फ़ोन ऑफ ऑल टाइम है, 130 मिलियन कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे मोटोरोला को बहुत ही मेजर लॉस हुआ था। और इस फ़ोन के लॉस होने से मोटोरोला का जो मार्केट शेयर था बहुत कम हो गया था, नोकिया, सैमसंग, LG काफ़ी ऊपर निकल चुके थे। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यू सी, जब फर्स्ट टाइम मोटोरोला ने लॉन्च किया तो विद इन 2 ईयर 50 मिलियन यूनिट सेल हुए, देन इन 3 ईयर्स 100 मिलियन यूनिट सेल हुए, यानी कि एक साल में 50 मिलियन और सेल हुए, और इन कम्प्लीट 4 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन 130 मिलियन यूनिट सेल हुए। फाइनली मोटोरोला ने इनको डिसकंटिन्यू कर दिया, बिकॉज 2007 में आईफोन 2G लॉन्च हो गया था, जो एक आप सभी जानते हैं एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट था, लाइक ओनली ग्लास एंड द मेटल, कोई भी बटन और ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी, आई मीन फॉर द टच एंड टाइपिंग। मोटोरोला के केस में क्या हुआ था कि मोटोरोला ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था मोटो रेजर लाइनअप में, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट वेरियंट, V9, V7 सब कुछ, और रेजर 2 भी लॉन्च किया। उससे ये हुआ कि अब स्लोली आईफोन के बाद से लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगा, अब लोग इंटरनेट पे ज़्यादा जाने लगे, बिकॉज 2G उस वक्त आने लगा था, 3G की भी बात चली थी, और ये सारे फ़ोन जस्ट एज थे, ये एक फर्स्ट रीज़न था। सेकंड, जब लॉन्च प्राइस थी तब $600 थी, और एट द एंड कंपनी को इतने कम में ये फ़ोन सेल करना पड़ा कि कंपनी ने जस्ट पर फोन $5 बनाया, जस्ट प्रॉफिट $5, उसमें आपको सैलरी, मैनेजमेंट सब कुछ चीज़ें करनी है। तो इवेंचुअली एट द लास्ट में मोटोरोला के लिए काफ़ी फेलियर साबित हुआ।
सो मोटोरोला ने रेजर लाइन को कैंसिल करके आई बिलीव एंड्रॉयड के साथ ड्रॉयड रेजर लॉन्च किया था. यू रिमेंबर दैट ड्रॉयड फोन. एंड आफ्टर दैट फिर फ्रेश फोल्डेबल फॉर्म में मोटोरेजर आया था. इवन दो कंपनी जानती थी कि वो फोन सेल नहीं होगा, लेकिन जस्ट टू क्रिएट बज कि मोटोरोला का नाम फिर से आ जाए. तो दैट्स इट गाइस फॉर द टू डेज रेट्रोट्रैक. आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने इस फोन को यूज़ किया होगा, और अब मैं खुद इस फोन को यूज़ करूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील है, बिकॉज 2004 में बाई नहीं कर पाया था. उस टाइम पे मैं नोकिया 1100 चला रहा था. तो फिलहाल मैंने फिर से इन फोन को बाई किया एंड यूज़ किया.